अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बजिस के बिज़नेस के हवाले से। तो बजिस का बिज़नेस जो है हम किस तरह से करें, क्योंकि जो है अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ला के 10 पैर छोड़ेंगे और इनके बच्चे होंगे हम बेच कर आएंगे मार्केट में, तो ये कोई प्रॉफिट वाला बिज़नेस नहीं है इनका, क्योंकि इतने का तो ये खाना खा जाते हैं। तो एक हम नया तरीका लाए, न्यू आइडिया कि किस तरह से इनका बिज़नेस किया जाए वो हम आपको बताते हैं। तो जो है वो करना आपने ये है कि 10 पेड़ लाने, एक कॉलोनी बनानी है। एक कॉलोनी में 2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, 10 पेड़ आपके 5000 में आ जाएंगे। अब आपने करना ये है वो तकरीबन 1 महीने में अंडे बच्चों पर आ जाएंगे। अब वनडो बच्चों पर आ गए, 1 महीना या 1.5 महीने में वो अंडे में से बच्चे अगर निकाल लें 5 पेयर भी, तो वो 5 पेयर आप अपनी डबल कीमत पे बेच सकते हैं। क्योंकि जो है ना बजट में बहुत मसले मसाइल होते हैं, तो लोग ना बोलते हैं कि भाई पहले महंगा मिल जाए पर अच्छा पेयर मिल जाए अंडे बच्चों वाला। मैं खुद में भी यही सोचता हूँ कि यार अच्छा पेयर मिल जाए। तो मैंने भी एक कॉलोनी थी बहुत बड़ी बंदे की, वो सेल कर रहा था, उसने 50 या 100 पेयर होंगे कम से कम उसमें। तो उसने भी क्या करा कि ना उसके जो फ़ौरन से बिके वो पेयर थे जिन्होंने अंडियों में 4-4 बच्चे दिए थे, और उनकी कीमत उसने 1600-1500 इस तरह उसने लिए। तो वो मुझे, मैं जब उसके पास गया ख़रीदने तो मैंने 4-5 पेयर मैंने लिए, और उसने बोला यार, मैंने जब मैंने बोला मैं और लेने आ रहा हूँ, तो उसने बोला यार अब ये 2-3 दिन में उसके ये सारे बिक चुके थे, और उसने बोला कि अब जो बच्चे हैं वो पहले से बुक हो गए, आएंगी पार्टी और वो ख़रीद के ले जाएगी। तो समझ लिया भी कुछ भी नहीं थे। तो जो कहने का मकसद ये है कि इतनी जल्दी उसके ये बिके हैं, और समझ लें अगर वो 500-500 रुपये के भी पेयर लेकर आया है तो उसको 1000-1000 रुपये ऊपर मिले। तो अब आपको इंतज़ार करने से बेहतर है कि 1.5 महीने में इसकी डबल कीमत जब आपको वसूल हो रही है, तो ये है कि दूसरे को चीज़ भी अच्छी मिल जाए, दूसरा बंदा भी खुश, आपके बिजनेस भी सही हो जाएगा। तो जो है ये आइडिया था वो जहन में मेरा भी यही माइंड है करने का, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया, तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, देखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।